वीवो, ओप्पो और वन प्लस जैसे सभी लीडिंग स्मार्टफोन कंपनी ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन और मिड रेंज स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कंपनी जो कि है सैमसंग की तरफ से अभी तक इस टेक्नोलॉजी में कोई फ़ोन नहीं आया है। लेकिन अब सैमसंग की तरफ से इस टेक्नोलॉजी के साथ एक फ़ोन आने वाला है जिसका कि नाम है सैमसंग का गैलेक्सी A10। जी हाँ, इस अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर जो लीक सामने आई है उनके अकॉर्डिंग ये फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट के साथ आने वाला है। चाइनीस लीकर के अकॉर्डिंग गैलेक्सी A10 को ट्विटर पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ देखा गया है। साथ ही GSM एरिना की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी ये खबर आ चुकी है कि सैमसंग एक गैलेक्सी A सीरीज के स्मार्टफोन में काम कर रहा है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन के 845 चिपसेट मिलने वाला है। ये एंड्रॉइड का ये आने वाला अभी तक का अर्लियर 2019 में लॉन्च किया जाने वाला है। इसी के साथ गैलेक्सी A के अलावा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गैलेक्सी S10 सीरीज में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है MWC 2019 में लॉन्च किया जाएगा, जबकि गैलेक्सी A10 को कंपनी जनवरी 2019 में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के बारे में और अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वो आते ही हम आपको बता देंगे। लेकिन लगता है कि खबर के साथ लीक्स आना शुरू हो चुकी है और अब बहुत अच्छी अच्छी लीक्स आएगी तो वहाँ आपको बताते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एज ऑलवेज फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक अपनी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो से लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों आप बोलते रहिए हमारे साथ। बस माता की जय।